हेलो नहीं सिंगल पीस है अरे मारना है आम्ही काम करू शकत नाही खाली उतरा लागेल ऋषी चाललंय पकडते ना त्याला जरी तू वर आला तर कसं काढशील विशाल ते दगडा बघ बार काही झालं ते पाईपवरती अजून अरे झाड घेऊन घ्या तुम्ही कमीत कमी दगड पडते घासू नको याला पवत पोत तिकडे जा तिकडे बाटली पैसे जा बाटली झाली पुढं बाटली तिथं समोर आहे खाली कमराल दावा पाहिजे घासलास चल आम्ही येऊ धराल नाही थोडं नॉर्मल कर वर धर बॅग हवेत धर तू
तो दोस्तों आपने देखा हमारे ऋषिकेश परदेशी कुएं में जंप करके इस धामन सांप को बाहर निकाला। ये पानी में था, ये ऊपर अगर तैरता तो हम इसको किसी रस्सी के सहारे छोड़कर इसको बाहर निकालते, लेकिन ये पानी में था तो इसलिए जंप करना पड़ा। तो दोस्तों आपने देखा एक धामन सांप इस कुएं से बाहर निकाला। यहाँ पर हम पहुँचे हैं शेंडी गाँव में, केतन शिंदे इनके घर है और इन्होंने हमें कॉल किया था। ठीक है, तो आपने देखा इस सांप को हमने बाहर निकाला, इसका नाम इंडियन रैट स्नेक, हिंदी में धामन, मराठी में धामन, मध्य प्रदेश यूपी बिहार में से एक और नाम से जानते हैं घोड़ा पछाड़। और ये बिना जहर वाला होता है लेकिन ये काटता है, हर कोई सांप खुद के बचाव के लिए काटता है, ऐसा काटता नहीं। जब उसको हम गलत तरीके से पकड़ेंगे तब ये काटेगा, इसके ऊपर गलती से पैर दे देंगे तब ये काटेगा, इसके बहुत ही नज़दीक हम जाएंगे तब ये काटेगा, और इसके साथ हम कोई भी छोटी मोटी छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे तब ये काटेगा। इसलिए बिना जहर वाला सांप भी हो तो बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए किसी ने में हैंडलिंग नहीं करना है। एक और बात है कि धामन सांप के पूंछ में लोग कहते हैं कि काटा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये पूरा बिना जहर वाला सांप है, इसकी पूंछ में ना कोई काटा है। और एक दूसरी बात कि धामन सांप कहते हैं कि गाय भैंसों को दबोच कर उनका दूध पी जाता है, तो आप ही सोचिए एक इंसान के हाथ से छूटने की ताकत नहीं इसमें, तो सोचिए इतने बड़े जानवर को कैसे लपेटेगा और उसका कैसे दबोचेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये अंधविश्वास है। तो दोस्तों अभी इस सांप को हम इस डिब्बे में डालेंगे प्लास्टिक के और तुरंत इसको पर्यावरण में रिलीज करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा एक धामन सांप कुएं से बाहर निकाला था, हमारे रेस्क्यूअर ऋषिकेश परदेशी कुएं में उतरे थे, जंप किया था और इस धामन सांप को हंसे उस कुएं से बाहर निकाला। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस पर्यावरण में इस सांप को हम रिलीज कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों आपने इस सांप को हम इस पर्यावरण में रिलीज किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।